एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिजाइन योर ड्रीम्स। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 3 के बच्चों के लिए इंग्लिश के कुछ इम्पोर्टेंट वर्कशीट्स। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि जब भी हम कोई टॉपिक अपने बच्चों को सिखाते हैं तो उन्हें किस तरह से सिंपल वे में एक्सप्लेन करना चाहिए, जिससे कि बच्चे को ग्रामर के सभी कॉन्सेप्ट एक ही बार में समझ आ सके, क्योंकि बच्चों की बेस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो वो वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट वर्कशीट हम देख रहे हैं, सर्कल द करेक्ट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का एक ही रूल है, यदि वो रूल हमने अपने बच्चों को एक्सप्लेन कर दिया तो वो आर्टिकल्स में कभी भी मिस्टेक्स नहीं करेंगे। आर्टिकल्स में हमें अपने बच्चों से कहना है कि जब भी कोई वर्ड का स्टार्टिंग साउंड वॉवेल यानी कि स्वर का आता है तो उस वर्ड के आगे उन्हें एन आर्टिकल का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि ए एन। और अगर किसी वर्ड का स्टार्टिंग साउंड कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन का आता है तो उस वर्ड के आगे उन्हें ए का इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से हम सिंपल वे में अपने बच्चों को आर्टिकल्स एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम कुछ वर्कशीट्स भी देख लेते हैं, जिससे कि कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो सके। जैसे जॉन वॉन्टेड टू रीड ए और एन कॉमिक बुक। तो कॉमिक बोलते समय फर्स्ट साउंड क्या आ रहा है? क, यानी कि व्यंजन कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, तो इसमें आर्टिकल ए लगेगा। सेकंड है ए स्लैश एन ओवल इज शेप्ड लाइक ए एन एग। तो ओवल, ओवल बोलते समय फर्स्ट साउंड क्या आ रहा है? ओ, जो कि एक वॉवेल यानी कि स्वर का साउंड है, तो इसके लिए हम एन को सर्कल करेंगे। एन ओवल इज शेप्ड लाइक एन एग। एग बोलते समय भी ए यानी कि वॉवेल का साउंड आ रहा है, तो यहां पर भी हम ए एन को ही सर्कल करेंगे। द डॉग कॉट ए और एन स्टिक। ओके, स्टिक बोलते समय फर्स्ट साउंड क्या आ रहा है? स, स्टिक। ओके, तो यहां पर आर्टिकल ए लगेगा, क्योंकि स क्या है? ए कॉन्सोनेंट है। आई एम वेयरिंग ए और एन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का फर्स्ट साउंड क्या आ रहा है? य, जो एक कॉन्सोनेंट का साउंड है, तो यहां पर भी आर्टिकल ए का ही इस्तेमाल होगा। आई एम वेयरिंग अ यूनिफॉर्म। ओके, तो इस तरह से सिंपल वे में आप आर्टिकल्स बच्चों को एक्सप्लेन करें। सेकेंड वर्कशीट है राइट सी फॉर कॉमन नाउन्स और पी फॉर प्रॉपर नाउन्स। ठीक है, तो कॉमन नाउन यानी कोई भी, जैसे नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल, तो वो हो जाता है हमारा कॉमन नाउन। और प्रॉपर नाउन क्या होता है? जब स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग्स के बारे में हम बात करते हैं तो वो हो जाता है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम स्पेशल नाउन भी कहते हैं। तो यहां पर बच्चों को फाइंड आउट करना है कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन कौन सा है। जापान, जापान क्या है? प्रॉपर नाउन है, तो यहां पर हम लिखेंगे पी। संडे, ये भी डे का नेम है, सो संडे इज ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन, जिसे हम स्पेशल नाउन भी कहते हैं। डॉग, डॉग तो कोई भी हो सकता है, तो ये एक कॉमन नाउन है, सो वी विल राइट हियर सी। बच्चों को कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन किस तरह से एक्सप्लेन करें, इस पर हमारी अलग से वीडियो है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। यदि आप चाहें तो उस वीडियो को जरूर चेकआउट करें। ट्री भी एक कॉमन नाउन है। अमर, ये किसी का नाम है, तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। बुक, बुक भी एक कॉमन नाउन है, तो यहां पर भी हम सी लिखेंगे। अप्रैल, ये मंथ का नेम है, अगर मंथ लिखा होता तो वो एक कॉमन नाउन होता, क्योंकि कोई भी मंथ हो सकता है, लेकिन यहां पर स्पेसिफिक नेम दिया गया है अप्रैल, इट्स अ नेम ऑफ मंथ, तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ओके, तो इस तरह से आप बच्चों को कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस फाइंड आउट करना सिखाएं। नेक्स्ट इज राइट द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ दीज वर्ड्स। यहां पर कुछ नाउन्स लिखे गए हैं, इसे बच्चों को प्लूरल में कन्वर्ट करना है, यानी कि बहुवचन में कन्वर्ट करना है, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, एक एक करके सभी रूल्स भी हम देखेंगे। जैसे पॉन्ड, पॉन्ड को हम प्लूरल में कैसे करेंगे? एस लगाकर, पॉन्ड पॉन्ड्स। स्पॉट, स्पॉट्स। फॉक्स, एक्स से एंड हो रहा है, तो जब भी हम कोई भी वर्ड देखते हैं वो एंड हो रहा है एस,
एस 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 एच सी एच एक्स ओ और जेड से, तो उसे हम प्लूरल करेंगे ई एस लगाकर। तो ये किससे एंड हो रहा है? एक्स से, तो इसका हो जाएगा फॉक्सेस। चेरी, चेरी क्या है? वाई से एंड हो रहा है और इसके पहले का जो लेटर है वो एक कॉन्सोनेंट है, तो इसे जब हम प्लूरल करेंगे तो हम वाई को हटाकर आई ई एस लगाएंगे, तो चेरी का हो जाएगा चेरीज। लीफ, एफ हटाकर वी ई एस लिखा जाएगा, तो लीफ का हो जाएगा लीव्स। क्लास, एस एस से एंड हो रहा है तो हम ई एस लगाकर इसे प्लूरल करेंगे, तो क्लास का हो जाएगा क्लासेस। स्टोरी, वाई से एंड हो रहा है और इसके पहले का लेटर जो है वो एक कॉन्सोनेंट है, तो हम वाई को हटाकर आई ई एस लगाएंगे, तो स्टोरी का प्लूरल हो जाएगा स्टोरीज। की भी वाई से एंड हो रहा है लेकिन इसके पहले का जो लेटर हम देख रहे हैं वो एक वॉवल है, तो इसमें वाई भी लिखा जाएगा और उसके साथ जस्ट हमें एस एड करना है, तो की का हो जाएगा कीज। डक, डक्स। बस, एस से एंड हो रहा है तो ई एस लगाकर हम इसे प्लूरल करेंगे, तो बस का प्लूरल हो जाएगा बसेस। ओके, तो इस तरह से आप बच्चों को सिंगुलर वर्ड्स को प्लूरल में कन्वर्ट करने की भी प्रैक्टिस करवाइएगा। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्लूरल ऑफ द नाउंस। यहाँ पर जो ब्रैकेट में नाउंस दिए गए हैं इसे बच्चों को प्लूरल में कन्वर्ट करते हुए फिल करना है, तो बेबी का प्लूरल क्या हो जाएगा? बेबीज, क्योंकि ये वर्ड वाई से एंड हो रहा है और इसके पहले का जो लेटर है वो एक कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हटाकर हम आई ई एस लगाएंगे। ब्रश योर टीथ, टूथ का प्लूरल टीथ, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। इसी तरह से ऑल द मेन वॉर ब्लैक हेड्स, तो एम ए एन का प्लूरल हो जाएगा एम ई एन। एक से ज्यादा के लिए हम एम ई एन लगाते हैं और अगर एक है तो हम एम ए एन लिखते हैं, तो इस तरह से आप कई सारे वर्ड्स की प्रैक्टिस बच्चों को प्लूरल में कन्वर्ट करने की जरूर कराइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउंस एंड राइट देम इन द करेक्ट कॉलम। यहाँ पर कुछ नाउंस दिए गए हैं, कुछ काउंटेबल है और कुछ नॉन काउंटेबल है, तो इसे बच्चों को पहचानना है और करेक्ट कॉलम में फिल करना है। टी को हम काउंट कर सकते हैं क्या? नो, तो टी क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल कॉलम में। चेयर, चेयर को हम काउंट कर सकते हैं, तो चेयर आ जाएगा काउंटेबल कॉलम में। ब्रश को भी हम काउंट कर सकते हैं, तो ये भी हम काउंटेबल कॉलम में ही लिखेंगे। राइस, राइस को हम काउंट कर सकते हैं क्या? नो, सो वी विल राइट इन अनकाउंटेबल कॉलम। गर्ल, गर्ल को हम काउंट कर सकते हैं, तो गर्ल को हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। घी, घी को काउंट कर सकते हैं क्या? नो, सो दिस इज ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन। ओके, आगे हम कुछ और आर्टिकल से रिलेटेड ही वर्कशीट देख रहे हैं, जैसे ए और एन कब लगाना है, ये तो रूल हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही जान लिया। अब हम देखेंगे कि द हमें कब लगाना है। द जब भी हम किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करते हैं और ऐसी चीज जो पूरे वर्ल्ड में एक हो, तो उसके लिए हम द आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं जिससे कि कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो सके। जैसे काव्या इज रीडिंग डैश बुक, बुक बोलते समय फर्स्ट साउंड ब का आ रहा है जो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर सिंपली हम ए लगा देंगे। सन राइजेस इन द ईस्ट, सन यूनिक है, एक है, तो सन के लिए हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? द का इस्तेमाल करेंगे, द सन राइजेस इन द ईस्ट। शी एट एन एग, एग बोलते समय फर्स्ट साउंड वॉवेल का आ रहा है। डैश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ ह्यूज कंट्री, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका स्पेसिफिक है, यूनिक है, तो इसके साथ भी हम आर्टिकल द ही लगाएंगे। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ ह्यूज कंट्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स एंड सर्कल द प्रॉपर नाउन। यहाँ पर
कॉमन नाउन में अंडरलाइन करना है और जो स्पेशल नाउन है, प्रॉपर नाउन है, उसमें हमें सर्कल करना है. लाइक माय अंकल लिव्स इन दिल्ली, तो इसमें कॉमन नाउन कौन सा है? अंकल. तो अंकल के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे. और दिल्ली क्या है? प्रॉपर नाउन है. इट्स अ नेम ऑफ सिटी, तो इसे हम सर्कल करेंगे. राव्या इज माय कजिन. कजिन क्या है? कॉमन नाउन है, तो इसके नीचे हम अंडरलाइन करेंगे. और राव्या इट्स अ नेम ऑफ गर्ल, तो इसे हम सर्कल करेंगे क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है. आई हैव अ पेट कैट कॉल्ड पिंकी. पिंकी इज अ प्रॉपर नाउन, जो कैट का नेम है, तो इसे हम सर्कल करेंगे और कैट के नीचे अंडरलाइन किया जाएगा क्योंकि कैट क्या है? एक कॉमन नाउन है. नेक्स्ट इज चूज करेक्ट वर्ड्स. यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं, इसे बच्चों को करेक्ट प्लेस पर फिल करना है. तो चॉकलेट के लिए हम क्या लिखेंगे? ए बार ऑफ चॉकलेट. सॉल्ट के लिए ए पिंच ऑफ सॉल्ट. मिल्क के लिए ए ग्लास ऑफ मिल्क. सूप के लिए हम क्या लगाएंगे? ए बाउल ऑफ सूप. तो इस तरह से आप कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बच्चों को करवा सकते हैं. सो डियर फ्रेंड्स, ये थी हमारे क्लास 3 के बच्चों के लिए इंग्लिश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. इसमें हमने टॉपिक्स डिस्कस किए जैसे आर्टिकल्स, नाउन्स, सिंगुलर एंड प्लूरल, काउंटेबल एंड नॉन काउंटेबल. आई होप आज की इस वीडियो के थ्रू आप सभी को काफी हेल्प मिली होगी. मिलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.